सो अभी सेम क्वेश्चन हम उस आदमी से पूछने जा रहे हैं जो टिकटॉक यूजर को उनके घर से काटा रोड पे जो लेके आते हैं, उनसे अभी हम क्वेश्चन पूछने वाले। टिकटॉक बैंड हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। Alright, what's up everybody? Welcome back to my channel. My name is Khan Sultan Photography. And well, so guys, आप लोगों को जैसे पता है कि कल ही रात में ये न्यूज आया है कि TikTok बैंड होने वाला है. So मैं और खान सुल्तान फोटोग्राफी हम लोग काटर रोड पे आए हैं, जो फेमस जगह है TikTok यूजर्स के लिए. So guys, हम लोग यहाँ पर आए हैं और अभी TikTok यूजर से क्वेश्चन करेंगे कि आप लोगों को कैसा फील हो रहा है TikTok बैंड हो रहा है, अच्छा या बुरा. So without any further discussion, directly अभी TikTok यूजर के पास जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं. सो भाई, तुमको पता ही रहेगा कि टिकटॉक बंद हो रहा है, तो तुम्हारा क्या कहना है? एक हिसाब से ले टिकटॉक जो है बंद हो रहा है, ये अच्छा है पब्लिक के लिए भी, क्योंकि इसके वजह से ना कोई स्कोप नहीं है आगे। 2-3 साल फेम रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। तो तुम्हारे हिसाब से बंद होना चाहिए टिकटॉक? हाँ, एक हिसाब से तो बंद होना चाहिए, क्योंकि टिकटॉक जो है ना हम लोग को यूज़ कर रहा है। तो जैसे कि भाई आपको पता रहे कि टिकटॉक बंद हो रहा है, तो आपका क्या कहना है? नहीं भाई, बंद हो जाए तो भाई वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सब आजकल ना टिकटॉक के पीछे ही पड़े, जिसको देख के गांव में, विलेजेस में, हर जगह पर, टाउन में ना, हर जगह टिकटॉक। और भाई कुछ काम धंधा कर रही ना टिकटॉक पे, भाई कितने लोग सुसाइड हो चुके मालूम? कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग के, जो रोल रहते हैं फांसी के जैसे एक्स्ट्रा जो भी है नॉले, तो उसमें भाई कितने लोग सुसाइड भी हो चुके हैं भाई। तो तुम्हारे हिसाब से टिकटॉक बंद होना चाहिए? हाँ भाई, बंद होना चाहिए, डायरेक्टली बंद हो जाना चाहिए भाई। अंकल टिकटॉक बंद हो रहा है, आपको कैसा लगा? ना अंकल, टिकटॉक बंद होना चाहिए? हम नहीं बता सकते। आप यूज करते? हम नहीं बता सकते। अंकल को मीडिया में आने का शौक नहीं है। अंकल स्माइल तो कैमरे में। सो आपको पता है कि नहीं म्यूजिकली बैंड हो रहा है या नहीं? नहीं पता। कल ये न्यूज आया कि म्यूजिकली बैंड होने वाला है। देखता नहीं ना मैं। बट अगर आप यूज भी नहीं करते म्यूजिक? नहीं नहीं। बट आपका क्या कहना है, म्यूजिकली बैंड होना चाहिए या नहीं चाहिए? अच्छा बात है ना। क्यों होना चाहिए? वो सब जन एडी जैसी बात, एडी जैसे डांस करते ना किधर। अच्छा, पब्लिक देख के आप देख के थोड़ी मजा आता है, कुछ भी करते, कुछ भी किधर भी करने का। तो आपके हिसाब से म्यूजिकली बैंड होना चाहिए? हाँ। थैंक यू। तो जैसे कि आपको मालूम है कि टिकटॉक बैंड हो रहा है, तो आपका क्या ओपिनियन है? अफसोस है फिलहाल तो, क्योंकि मैं भी टिकटॉक बहुत यूज करती हूँ, तो रिसेंटली पोस्ट डालते रहते, अचानक ही आज कल ही रात में पता चला कि बंद हो रहा है। देखो आपके कितने फैंस है टिकटॉक? 700। तो बंद होना चाहिए या नहीं टिकटॉक आपके साथ? नहीं होना चाहिए, पर कितनी पीपल जैसे डाल रहे वायरल वीडियोस, मतलब कंटेंट ऐसे डाल रहे हैं ना कि क्या कर सकते हैं, बैंड ही करना पड़ रहा है। बच्चे लोग भी यूज करते कितने इसकी वजह से। देखिए मोस्टली टैलेंटेड पर्सन जो है वो फेमस नहीं हो रहा है, और जैसे गुटखा खा के फेमस हो रहा है, तो आपका क्या है उसके अगेंस्ट में? क्या कर सकते हैं अभी। तो जैसे कि आपको पता रहे कि रात में न्यूज आए टिकटॉक बंद हो रहा है, तो आपका क्या कहना है? वैसे तो टिकटॉक बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे फेमस हो रहे हैं, जैसे कि बहुत से, जैसे आप लोग जानते होंगे कि बैंड्रा में 2-3 लोग हैं, जैसे फैसल हो गया, नान हो गए, ये लोग पहले इन लोग को कोई जानता नहीं था, आज इन लोग इतने फेमस है, इन लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है कि हाँ ये कुछ अपने लाइफ में कर सके, तो ये एक बेस्ट चीज़ है कि हाँ कि कोई टिकटॉक की वजह से हर कोई ऊपर जा रहा है, कोई इंडस्ट्री में जा रहा है, कोई अलग फैशन शो में जा रहा है, तो ये ओपिनियन है कि भाई हर कोई आगे बढ़े। और वो लोगों के लिए क्या है कि जो नंगा नाच रहे, गुटखा खा के फेमस हो रहे, वो गलत है भाई। ये सब एक अलग तरीके से करना है तो कीजिए, नहीं तो किसी को गुटखा खा रहे हो तुम, अपने अपने बता रहे हो कि हम क्या हो, हम अपना ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम इतने चीप लोग हैं करके, हम जो चीज़ वो यूट्यूब पे दे रहे हैं वो ऑल ओवर मुंबई देख रहा है, ऑल ओवर इंडिया देख रहा है, हर कंट्री का एक पर्सन देख रहा है, तो क्या सोचेगा अपने बारे में? कि जैसे कि आज हर कोई टिकटॉक पर फेमस होना चाहता है, बट ऐसा कोई फेमस नहीं होना है जो अपनी बेइज्जती करवा के। तो आपका क्या कहना है कि बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वैसे तो बंद नहीं होना चाहिए, एज अ मेरी अपॉर्चुनिटी है कि एज अ बंद नहीं होना चाहिए। सो आपको पता है कि नहीं टिकटॉक बैंड हो रहा है या नहीं? या पता है। सो कैसा फील हो रहा है, बैंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक्चुअली बैंड तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि टिकटॉक अब हमारे ऊपर होता है कि कैसा यूज़ करना है, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारा मैसेज है, क्योंकि टिकटॉक पे काफ़ी सारे विलेजेस में जो लोगों को नहीं पता था वहाँ पे मैसेजेस पहुँचता है, उस पर कभी कभी अच्छे कंटेंट बनते हैं, वहाँ पे टैलेंट, कुछ लोग उससे बहुत फेमस हुए, उनका टैलेंट पता चलता है। तो बट लेकिन कंपेयर टू अच्छे कंटेंट और बुरे कंटेंट में सबसे ज़्यादा तो अभी बुरे कंटेंट ही बन रहे, तो या सो इट्स अप टू अस, अगर हम अच्छा कंटेंट रखेंगे तो बैंड होने की तो नौबत ही नहीं आएगी। शायद आज टिकटॉक बैंड हो रहा है, ये हमारी वजह से शायद इंडिया में इंटरनेट ना बैंड हो जाए, तो उसकी वजह से वो हमारे ऊपर रहते कि एक दिन वो नौबत ना, वो दिन ना देखना पड़े कि अरे यार इंटरनेट बैंड हो गया, आज टिकटॉक है कल कुछ और होगा।
तो ये एक तरीके का वो लोगों के लिए मैसेज था जो कुछ भी करते हैं कंटेंट बनाने के लिए, क्या फ्यूचर में इंटरनेट भी बैन करा सकते हैं भाई? संभाल के यूज करो। सो भाई, जैसे ही रात में पता चला कि टिकटॉक बैन हो रहा है, तो आपका क्या ओपिनियन है? टिकटॉक वैसे भी बंद होना चाहिए था, क्योंकि उसमें यूथ मतलब बहुत ज्यादा खराब हो रही है और टाइम भी वेस्ट बहुत हो रहा है। तो आप यूज करते हैं? नहीं, मैं तो यूज नहीं करता, बट मेरी आइडिया, बट मैं उसे यूज नहीं करता, सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए, क्योंकि वीडियो देखता। तो टिकटॉक डिलीट हो गया तो आपको रिग्रेट फील हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपका यही कहना है कि टिकटॉक बंद होना चाहिए? टिकटॉक बंद होना चाहिए। टिकटॉक ऑनर सुन लो, देखो क्या बोल रहे हैं। टिकटॉक बंद होना चाहिए। तो अंकल, टिकटॉक बंद हो रहा है, आपका क्या कहना है? टिकटॉक ऐप है जो बंद हो रहा है, आपका क्या कहना है? क्या बंद हो रहा है? तो जैसे कि आप देख सकते हो, आपका नाम तौफीक, तौफीक के साथ में हूँ अभी। अभी क्वेश्चन में तौफीक को पूछने वाला हूँ, आपको पता है कि नहीं टिकटॉक बैंड हो रहा है या नहीं? हाँ पता है, बैंड हो रहा है। सो टिकटॉक बैंड होने का मेन रीजन आपको पता है? हाँ, वो पब्लिक अभी इंटरनेट से कुछ गलत गलत इन्फॉर्मेशन डाल रही है, कमेंट भी एकदम गलत गलत दे रही है, तो पब्लिक को एकदम गलत सोच बैठ गई है दिमाग में। सो तौफीक भाई का बोलना है कि लोगों को गलत मैसेज की वजह से गलत सोच गलत हो गई है लोगों की, इसके लिए टिकटॉक बैंड हो रहा है। और क्वेश्चन पूछते हैं तौफीक भाई को, आप सो आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं? हाय। आपकी गर्लफ्रेंड टिकटॉक पे है या नहीं? हाय। सो आपकी गर्लफ्रेंड के कितने फैंस है टिकटॉक? वो इतना मालूम नहीं, 500 तक रिंग। सो जब आपकी गर्लफ्रेंड टिकटॉक पे म्यूजिक वीडियोस डालती है और उसको नहीं बोल के भी 500-600 व्यूज आते हैं लड़कों के, तो आपको कैसा फील होता है? एकदम अजीब फील होता है मुझे, क्या दूसरे लड़के उनको कमेंट कर रहे बोलते। तो अभी मेरे साथ है, आपका नाम? आशीष शर्मा। आशीष शर्मा मेरे साथ है, अभी वही रिपीट क्वेश्चन मैं आशीष शर्मा को पूछूंगा और देखते हैं आशीष शर्मा का क्या कहना है। सो सबसे पहले क्वेश्चन, टिकटॉक बैंड हो रहा है, आशीष आपको पता है या नहीं? टिकटॉक क्या है वो मुझे खुद को पता नहीं है अभी तक। आशीष भाई 2019 में रहे और इनको टिकटॉक ही नहीं पता है, सबसे बड़ी बात। चलो पता तो नहीं है, बट बैंड हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बारे में क्या कहना आशीष? एक्चुअली जो आपको ऐसी कौन सी चीज है जो इतना बुरी लगी कि आपको बैंड ही करना है टिकटॉक? आज का जो युवा वर्ग है वो जो दिशा में जाना चाहिए, देश हित में सोचना चाहिए, तो युवा वर्ग उस दिशा में नहीं सोच रहा है, तो टिकटॉक में 10-10 मिनट 15-15 मिनट पे एक वीडियो बनाते रहते हैं, तो वही कुछ देशहित की बात करेंगे 15 मिनट तो अच्छा रहेगा। सो होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। और वीडियो एंड होने से पहले मैं एक छोटी सी इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ, जो आप पूरा वीडियो शेयर करो या मत करो, बट इम्पोर्टेंट सा मैसेज सबको शेयर करो कि अभी जो टाइम चल रहा है, वोटिंग का टाइम चल रहा है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो लोग है जो 18 से लेकर 25 का ग्रुप है, वो लोग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सब लोग अपना वोट आईडी लेके आप वोट करो। दूसरा इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि जब भी आप वोट करने जाओ तो नोटा का बटन मत दबाओ। नोटा का फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव, यानी आप किसी भी कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, उससे ये होगा कि जो कैंडिडेट नहीं आना चाहिए वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। जाके अपने नियर बाय जहां पे भी वोटिंग चल रहा हो वहां पे वोट दो। सो अगेन होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव and at the top be creative like Khan Sultan Photography and stay tuned for the next video.